मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो बेसिक जो नॉलेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्लास यह देखेंगे और इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ही अच्छी मैटर को हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय ठीक है देख रहे हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे ठीक है। इसमें आपको देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय जो होता है उसके बारे में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीक या आरेखन का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा मैकेनिकल वस्तुओं या आपको इलेक्ट्रिकल वस्तुओं को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है ठीक है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप को बीमा सहित स्पष्टतः उतारा जा सकता है। किसी पुर्जे को वास्तविक निर्माण से पूर्व इसका एक विस्तृत रेखाचित्र तैयार किया जाता है, और इसी रेखाचित्र के आधार पर कारीगर पुर्जे या मशीन का पार्ट्स निर्माण करते हैं या इलेक्ट्रिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिकल परिपथ को एडजस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व जो होता है वह जो वर्कशॉप में ठीक है, वर्कशॉप में जो होते हैं जो उपयोग होने वाले जो उपकरण होते हैं उसको आरेखने के लिए, उसको आपको देखने के लिए जो एक स्थान से दूसरे, एक कारीगर से दूसरे कारीगर को समझाने के लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक महत्व होता है ठीक है। उसको बाद है आपको पता होना चाहिए कि आपको कार्यशाला में ठीक है, कार्यशाला में जो प्लांट तथा उपकरण के जो अभिन्यास होते हैं उसको प्रणाली को समझाने हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। या आप यह कह सकते हैं कि मैनेजर अथवा प्लांट की रिव्यू देने के लिए प्रोवेजल तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व होता है ठीक है। तो इस तरह से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व के बारे में भी आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आपको नेक्स्ट जो समझेंगे कि यह जो देख रहे हैं ठीक है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी व्यक्ति चार प्रकार से अपने बातों को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जैसे कि आपको मौखिक रूप से नज़दीकी है तो वह मौखिक रूप से आपको पहुंचाता है। इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन जो है आपको किसी व्यक्ति को आपको मौखिक रूप से अपने मैटर को समझाता है। उसको बाद है लिखित रूप से समझाता है। उसको बाद है सिग्नल, आपको सिंबल से आपको समझाता है। कहीं भी व्यक्ति रहता है तो उसको सिंबल के द्वारा आपको निर्देश आपको समझ में आ जाता है। और उसको बाद है कि आपको एक डायग्राम की तरह ठीक है, तो एक डायग्राम से आपको समझाता है, जिसमें डायग्राम जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि भिन्न भिन्न आपको चित्र द्वारा डायग्राम बनाकर किसी मशीन के पार्ट्स या इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो होते हैं उसको आपको समझाता है, अपने बातों को दूसरे कारीगर तक आपको रखता है। इंजीनियर या आपको ड्राफ्ट्समैन दूसरे कारीगर को आपको समझाने का आपको चार प्रकार से यह कार्य करता है ठीक है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट हम उपकरण ठीक है, ड्राइंग उपकरण ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि वे उपकरण जिनकी सहायता से किसी मशीन अथवा सिस्टम का आरेखन किया जाता है ड्राइंग उपकरण कहलाता है। किसी आरेखन की यथार्थता इन उपकरणों की यथार्थता से निर्भर करती है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरण का विवरण भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि आपको ड्राइंग बोर्ड ठीक है, उसी तरह से आपको टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर ठीक है, चांद या प्रोटेक्टर उसको बोलते हैं, फ्रेंच कर्व या स्केल ठीक है, ड्रिफ्टिंग टेम्पलेट ठीक है, इत्यादि इंस्ट्रूमेंट जो इस प्रकार से आपको होते हैं ठीक है ड्राइंग के लिए, और यह बहुत ही उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो ड्राइंग बोर्ड ठीक है। ड्राइंग बोर्ड के बारे में अच्छी तरह हम लोग समझते हैं कि ड्राइंग बोर्ड होता क्या है। देखिए पता होना चाहिए कि ड्राइंग बनाने हेतु किसी उपकरण पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं ठीक है। ड्राइंग बनाते समय एक ड्राइंग शीट सेट की जाती है जिसे हम बोलते हैं कि ड्राइंग बोर्ड कहते हैं ठीक है। एक ड्राइंग बोर्ड के बारे में आप समझ गए, जो यहाँ जो आप देख रहे हैं क्या है, ड्राइंग बोर्ड है ठीक है। अब यह ड्राइंग बोर्ड है तो इस ड्राइंग बोर्ड को हम लोग समझेंगे कि आपको भिन्न भिन्न भाग किस प्रकार से कौन कौन से भाग आपको होते हैं, और उसको बाद इस ड्राइंग बोर्ड
की जो बनावट है किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ जो देख रहे हैं ये समझ लीजिए, यह दोनों जो है इसको बोलते हैं बैटन्स, ठीक है, बैटन्स बोलते हैं, और यह स्क्रू के द्वारा, ठीक है, स्क्रू के द्वारा आपको यह फिट होता है, ठीक है, स्क्रू के द्वारा फिट होता है, जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि यह साइड के जो है दिख रहे हैं यह भाग, इसको बोलते हैं एवोनी, एवोनी बोलते हैं, या कड़कारी एज इसको बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 4 से 5 mm की आपको मोटाई में यह होते हैं, और यह काले रंग के होते हैं, ठीक है, 4 से 5 mm की या काले रंग की यह होते हैं, जो इसको बोलते हैं एवोनी बोलते हैं, या आपको कड़कारी एज भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपको स्ट्रिप्स जो देख रहे हैं कि यह जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, स्ट्रिप्स है, ये सभी स्ट्रिप्स है जो यहाँ आप जो देख रहे हैं, यह पार्ट्स हो जाएगा स्ट्रिप्स। और उसी तरह से बॉटम जो देख रहे हैं कि आपको साइड वाला जो यहाँ जो भाग है यह बॉटम है, ठीक है, तो यह बॉटम है। तो इस तरह से बॉटम, अब समझना यह है कि यह जो बना होता है, ठीक है, यह आपको जो सीट जो बना होता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, यह ड्राइंग बोर्ड जो बना होता है आपको जैतून या ओक के लकड़ी के बना होता है, ठीक है, जो बहुत ही सख्त और हल्का भी होता है और अच्छा चिकना युक्त आप इसका लकड़ी होते हैं, ठीक है, तो आपको जैतून या ओक की लकड़ी के बना होता है। और इस तरह से इसका उपयोग जो पहले ही बता चुके हैं कि ड्राइंग बनाते समय, ठीक है, यह ड्राइंग सीट है यह, जो आपको एक स्टैंड पर फिट किया जाता है और सेट करके उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह जो देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं कि इसमें यह इस साइड का गौर करेंगे थोड़ा सा, एक बारीकी सब थोड़ा सा मैटर समझ लीजिए, यह जो एवनी जो देख रहे हैं या करकारी आपको एज जो कहते हैं इसको, तो यह करकारी एज, ठीक है, यह करकारी एज के बारे में समझेंगे कि यह जो इसी को आधार मानकर टी स्क्वायर द्वारा समांतर लाइनें खींची जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह ड्राइंग बोर्ड हुआ, और ड्राइंग बोर्ड इसी के बारे में अच्छी तरह हम लोग समझे। चलिए नेक्स्ट मैटर पे हम लोग समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित बोर्ड के माप दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो बताएं कि आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में, तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है स्टैंड में, ठीक है, तो 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है ड्राइंग बोर्ड। उसके बाद यह पता होना चाहिए कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसकी माप जो एक स्टैंडर्ड माप आपको दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप यह क्रम संख्या और पद देख रहे हैं और उसके बाद माप देख रहे हैं, तो इसमें D0 जो देख रहे हैं, इसकी माप जो देख रहे हैं जो 1500 × 1000 × 25 दिया हुआ है mm में है। D1 में जो देख रहे हैं कि 1700 × 25 mm दिया हुआ है आपको। D2 जो देख रहे हैं कि 700 × 500 × 15 दिया हुआ है। तो इस तरह से यह क्या है कि साइज है, ठीक है, माप है किसका, आपको ड्राइंग बोर्ड का, ड्राइंग बोर्ड का है। और ड्राइंग बोर्ड जो होता है आपको 20 डिग्री जो होता है 20 डिग्री के कोण पर आपको सेट किया जाता है आपको स्टैंड में, ठीक है, जिससे मापने में आपको बहुत ही अधिक सुविधा होता है। चलिए तो इस तरह से हम लोग समझे कि आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में, और उसको बाद आपको अन्य तथ्य भी जाने बेसिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह बारीकी से इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे कि आपको ड्राइंग बोर्ड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको होता है, ठीक है, इसके बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे। चलिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।